तो देखिए, इस वीडियो में हम कंपोजिट फंक्शन के बारे में समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सपोज डेट हमारे पास एक फंक्शन है जिसे हम x कह रहे हैं। तो सपोज डेट इस x की मैपिंग जो है आपकी इसमें की जाती है, तो इसको हम जी एक्स कहेंगे। और अगर इस जी एक्स की मैपिंग एफ एक्स में, फंक्शन f में की जाए, तो इसे हम f ऑफ जी एक्स कहेंगे। तो हमेशा याद रखना है, इसका मतलब इस मैपिंग को जो x की मैपिंग x में की गई है, ये f ऑफ जी एक्स कह सकते हैं। जिसका मतलब है, इसे ये भी पढ़ा जा सकता है fog। तो ऐसे ही ज़रा, अब सपोज डेट हमारे पास अगर ये एक मैपिंग एक और देखते हैं ज़रा, x ये है f, ये है g। तो अगर x की मैपिंग इसमें की जाए तो इट विल बी एफ एक्स, और अगर एफ एक्स की मैपिंग इसमें की जाए तो इट विल बी जी ऑफ एफ एक्स, जिसे आप रीड कर सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स, जिसे आप गो ऑफ बी कह सकते हैं। तो इसका मतलब कभी कभी एग्जाम में कहा जाता है, एक क्वेश्चन से समझते हैं, इफ एफ एक्स जो है आपके पास ये है 2x+3, जबकि जी एक्स है आपके पास x²+2x+3। फाइंड, आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स को फाइंड आउट करना है। एक तो फॉग, सेकंड गॉफ, और थर्ड गॉफ ऑफ 3। तो इनको आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे सॉल्यूशन। अगर आपको फॉग फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब है एफ ऑफ जी एक्स। इसका मतलब एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स की वैल्यू कितनी है वो लिख दीजिए, x²+2x+3। आप इसे यहाँ पे लिखेंगे और यही वैल्यू जो है अब एफ एक्स में पुटअप करनी होगी जहाँ पे x है। इसका मतलब x यहाँ पे है, तो ये वैल्यू x में पुटअप कर दीजिए, 2x की जगह पर x²+2x+3+3। तो इसका मतलब ये वैल्यू आपको x की जगह सब्स्टिट्यूट करनी पड़ी। अब यहाँ पे इंटू कर देंगे 2x² + 2x + 4 लिखेंगे 4x + 3 = 6 + 3, जिसे आप लिख सकते हैं 2x² + 4x + 9। तो ये होगा आपका फॉग। अब आपको फाइंड आउट करना है गॉफ। तो देखिए, गॉफ को कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी जरा आप समझेंगे। तो इसके लिए आपको यहां लिखेंगे गॉफ। तो गॉफ को फाइंड आउट करने के लिए अब आपको यहां इसे लिखना होगा जी ऑफ एफ एक्स, जिसे आप लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू है 2x+3। अब 2x+3, इसका मतलब ये वैल्यू जो है g में पुटअप कर दीजिए जहां भी आप x पाएं। इसका मतलब x यहां पे है और x यहां पे है। तो आपने सबसे पहले गॉफ निकालेंगे, g ऑफ एफ एक्स लिखा, एफ एक्स की वैल्यू गिवन है आपको। अब ये वैल्यू जो है x की जगह आपको पुटअप करनी है, इसका मतलब इन दो जगहों पर। तो देखिए, इसका मतलब 2x+3 का होल स्क्वायर + 2x+3 + 3। इसका मतलब ये वैल्यू जो है आपने कहाँ पुटअप करनी की, x की जगह पर पुटअप कर दी। किस में? जी एक्स में, क्योंकि बोला गया जी एक्स में ये वैल्यू पुटअप कीजिए। तो अब इसके बाद इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आंसर होगा, या इतना भी छोड़ेंगे तो भी चलेगा। अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है गॉफ ऑफ 3। इसका मतलब x की जगह पर आप यहाँ पे 3 पुटअप करेंगे। तो 3 पुटअप कर दीजिए, 2 2 + 3 + 3 + 3। तो इसका मतलब 3 × 6, 6 × 3 9 हो गया, 9 का स्क्वायर 81 होगा। 3 × 6 6 × 3 9 9 × 18 प्लस 3, तो इनको ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 22 और 9, ये 9 हो रहा है और फिर एक कैरी 9 और 2 11। तो ये होगा आपका
112 ये आंसर होगा, नहीं नहीं 102 आंसर इसका होगा। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे।